नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं कविता जगदा एमडी होमपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 2 अक्टूबर 21 के मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आवाज़ आ रही है प्लीज़? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया जी, हेलो हेलो मंडल साहब, नमस्कार पसमा जी, गुड मॉर्निंग सहगल साहब, नमस्कार चौधरी रहना जी, गुड मॉर्निंग अरोड़ा जी, आवाज़ आ रही है? और स्वास्थ्य और गुड मॉर्निंग, हाँ बस थैंक यू। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती ड्राइडे, तो आज वो कोई तो बाबा है वो आज 2 अक्टूबर के दिन अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर करेंगे तो मैं जल समाधि लेने वाला हूँ सरयू नदी में। मेरे ख्याल से सारे न्यूज़ चैनल आज उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, पूरा लाइव दिखाएंगे, क्योंकि किसी ने आज तक जल समाधि लेते हुए देखा नहीं है। तो होप हम उसकी जल समाधि देखेंगे। मुझे बहुत से लोगों ने देखो यार, थर्ड वेव फोर्थ वेव भी छोड़ दो, अभी यू हैव टू गो अपग्रेड, आपको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और मैंने आपको जैसे कहा है कि जब डिजिटल करेंसी आएगी, आरएफ चिप आएगी, मैंडेटरी ये हो जाएगा, जब आरएफ चिप लगेगा, न्यूरल लिंक लगेगा, तो एलियंस इन्वेजन होगा और हो चुका है। मैंने कल ही एक गुजरात का एक वीडियो मैंने शेयर किया है जहाँ पे एलियन स्पेसशिप दिखी है, और कई सारे सिर्फ भारत में नहीं और कई देशों में, रशिया में, यूक्रेन में, अमेरिका में, मेक्सिको में, वहाँ पे एलियन शिप्स दिख रहे हैं, उसके न्यूज़ आ रहे हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों का मुझे रिक्वेस्ट था, सर कभी आप एलियंस के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए क्या है, एक तो ये बात हजम नहीं होगी, मैं पहले बोल देता हूँ। अगर आपको सीधे एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर किसी मुस्लिम भाई को बोल दूँ कि भाई एलियंस आ रहे हैं, तो वो बोलेगा भाई साहब हमारे धर्म में तो सिर्फ एक ही भगवान है और वो अल्लाह है, तो एलियंस विलियंस कोई सवाल ही नहीं। अगर आप किसी हिंदू को बोल दो कि भाई एलियंस है, तो बोलेगा ऐसे कैसे, पूरा ब्रह्मांड तो भगवान ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु ने बनाया है, शंकर ने बनाया है, कर्ता धर्ता विष्णु है, उसका पालनहार ब्रह्मा है और डिस्ट्रॉयर शंकर है। अगर किसी क्रिश्चियन को बोल दो कि भाई एलियंस है, तो बोलेगा भाई हमारे इसमें सिर्फ एक ही है, भगवान का पुत्र जीसस यीशु। अगर आप किसी बुद्धिस्ट को बोल दोगे कि भाई एलियंस है, तो बोलेगा नहीं, जो कोई है वो स्वयं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है जो कुछ है वो विदिन है, मेडिटेशन के थ्रू, तो ये मानेगा वो, इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा था। मगर कुछ लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया है सर प्लीज़ इसके बारे में बात कीजिए। तो आपको एलियंस के बारे में समझने के पहले आपको आपके बारे में समझना पड़ेगा, एज अ ह्यूमन, एक मानव के बारे में आपको समझना पड़ेगा। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था एक कि मानव जो है आज का होमोसेपियन जो है वो डायरेक्ट नहीं बना है, इसके पहले उसके अलग अलग वर्जन थे। हमारा डीएनए आरएनए 68 टाइम अल्टर किया गया है, अभी जो चल रहा है युक्ति का ये 69th टाइम रहेगा जब अपना डीएनए आरएनए अल्टर हो रहा है, तो ये 68 टाइम हुआ है। तो ये आया कहाँ से है? तो ये डार्विन सिद्धांत जो है ना वो फेल हो चुका है 3-4 साल पहले, 2014 में जब पहला वो बंदर मिली, इसका नाम था लूसी, वो पहली बंदर मिली जिसमें डायरेक्ट बंदर से ह्यूमंस में जो कन्वर्ट हुआ वो डीएनए वो मिला 2014 में, जर्मनी में वो मिला, आप गूगल सर्च कर लीजिए, लूसी नाम की बंदर में वो आप सर्च कर लीजिए, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है। अब आप बोलेंगे फिर वो बंदर से आदमी से आइस है क्या बोलते उसे स्टोन एज आया, फिर सर गुरुजी महाशिव इज सुप्रीम गॉड, हैव यू हर्ड अ गुरुजी आश्रम इन दिल्ली, आई डोंट नो। तो जब ये ह्यूमन जब बने, आप
आइस एज की बात कर रहे हैं, आप स्टोन एज की बात करते हो, आप ब्राउन एज की बात करते हो, मगर आप ये सोचिए ब्राउन एज, ये स्टोन एज, ये होने के पहले 8,500 साल के पहले जब आपके पिरामिड बने हैं, जब आपके मायन टेम्पल्स बने हैं, जब आपके पास इंडस वैली थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये इसके बारे में आपको एजुकेशन नहीं दिया गया, आप इस बारे में सोचते नहीं हो, इस बारे में आप पढ़ते नहीं हो, आप इसके बारे में सोचिए भाई ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, आयरन एज, मगर उसके पहले जो था कहाँ से ये बने उसके बारे में कोई नहीं है। वो टेक्नोलॉजी आप अगर आप सच में अगर जाके आप स्टडी करोगे ना पिरामिड्स और इजिप्ट की स्टडी करोगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे खिलौने जैसे, जिसमें प्लेन्स, जिसमें आपके हेलीकॉप्टर्स, जिसमें आपके टैंक्स, ऐसे उसके छोटे छोटे खिलौने के स्वरूप में, गोल्डन गोल्ड के स्वरूप में वो डिज़ाइंस, वो खिलौने है। 5 जो सभ्यताएं एक साथ डेवलप हो रही थी, मायन संस्कृति, इंडस वैली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आपकी मेसोपोटामियन, आपकी जो चाइनीज है जिसे ड्रैगन संस्कृति कहते हैं वो, और यूरोपियन, ऐसी 5 जो है अलग अलग सभ्यताएं एट ए टाइम डेवलप हो रही थी। और जापान की जो संस्कृति है, जापान में एक भगवान है, उसकी पोस्ट मैंने शेयर की थी कल, उस भगवान के बारे में बताया गया है, उसको 4 फेस थे, जैसे आपने जो करेंसी है इंडियन करेंसी अशोक स्तंभ पे 4, उसमें से 3 शेर हमें दिखते हैं, उसी तरह से वो जो थे उस भगवान को 4 फेस उन्होंने दिखाए हैं। उसको सिमिलरली अपने ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जो ब्रह्मदेव है उसके साथ कंपेयर किया गया है। ब्रह्मदेव कहाँ रहते थे, वो ब्रह्मलोक में रहते थे, उसी तरह से जापान का जो भगवान है वो कहाँ रहता है, तो वो ब्रह्मलोक में रहता था। अब मुझे बताइए, हम हैं हिंदुस्तान में, हम थे भारत में, यहाँ पे ब्रह्मदेव, और वो बात कर रहे हैं जापान के भगवान की जो ब्रह्मलोक में रहता है और जो सिमिलरली ब्रह्मदेव के जैसे दिखता है, तो ये हो नहीं सकता है कि वो एक ही इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम अलग है। फिर आपको अलग बात बोलता हूँ, पूरे माइथोलॉजी में आप इंडस वैली में जाइए, आप मेसोपोटामिया में जाइए, आप जापान में जाइए, आप चाइनीज आइए, आप हिंदुस्तान में आइए, 2 भगवान प्रिडिक्टली बोले जाते हैं, 2 भगवान, इया एंड इनकी, द होल वर्ल्ड इज, इन शॉर्ट, यस, मैं राहुल मेहराज में उस पर आ रहा हूँ, द होल वर्ल्ड इज इंडिया में उस पर आ रहा हूँ। और पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। आपको एलियंस के बारे में जानना है तो पहले आपके बारे में जानिए, आपके आपके धर्म के बारे में जानिए, और फिर आप उस कंक्लूजन पे आए कि वो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 2 भगवान, एक इनकास और इनकी, इसको भारत में भगवान विष्णु और भगवान शंकर कहा जाता है, और आप मेसोपोटामिया और आप इजिप्ट में जाएंगे तो उसको इनकास और इनकी कहा जाता है, अनु एंड इनकी, अनु एंड इनकी। और इसी को अगर आप इजिप्ट में जाएंगे तो रॉ एंड एमेन रॉ। सेम सिचुएशन मायन संस्कृति में रहती है, 2 भगवान। और भगवत गीता में एक लाइन है, भगवत गीता में एक लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानितम, पूरा संस्कृति याद नहीं है, भारत
तो जब जब धर्म के ऊपर कोई संकट आएगा तो भारत को बचाने के लिए मैं जन्म लूंगा, ये भगवद गीता में कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का एक लाइन है। भाग अगर भारत सिर्फ भारत है तो भारत को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं आ सकते, कुछ तो बड़ा होगा, इसलिए भारत को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो उन्होंने इस पूरे विश्व को, यानी इस पूरे पृथ्वी को, इस दुनिया को उन्होंने भारत कहा है। और एक और बात आपको बताता हूं, ईस्वीसन पूर्व 200 साल पहले यूरोप के राजा ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम इनके फोटो वाले कॉइन्स जो है ना, अपन जो करेंसी में यूज करते हैं कॉइन, वो कॉइन उन्होंने लॉन्च किए थे। उसका फोटो मैं 100% इस वीडियो के बाद में शेयर करूंगा। तो आप इस बात को समझिए, भरत राजा का पुत्र था भारत। देखिए भरत, मैंने कहा ना, आप इस चीज को समझिए, यूरोप कहाँ है, यूक्रेन, और वो कहाँ है, वो अफगानिस्तान के भी और आगे है, वो बहुत आगे है। वहां के राजा ने, यहाँ के अभी श्री कृष्ण और श्री राम के क्वाइन के लॉन्च किए थे, पोस्ट में बिल्कुल शेयर करूंगा। इसी बात पे अब आप आती है अगली बात। तो इस महाभारत में, इस रामायण में कई सारे विमानों का उल्लेख किया गया है, पुष्पक विमान, या फिर रावण ने जो लेके गया था कुबेर विमान। तो ये सारे विमान जो है ये अपने वेदों में उसका उल्लेख है, वेदों में। और यही उल्लेख आपके बाइबल में भी है, जहाँ पे बुक ऑफ इनॉक जो है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि जहाँ पे भगवान जो आते हैं वो एक बड़े से आवाज करते हुए और बहुत सारी लाइट स्प्रेड करते हुए वो उतरते हैं, और वहाँ से वो जो इनॉक है, जो नोवा, जिसने वो आर्क ऑफ नोवा बनाई थी, जिसमें वो बूढ़ी जो बोट है जिसमें बैठ के सब बच गए थे, जब जब बूढ़ी जब दुनिया डूब गई थी, उसके वो परदादा थे इनॉक। तो वो इनॉक जो है उसके इसमें ये डिस्क्रिप्शन आता है कि एक आवाज करती हुई लाइट बिखेरती हुई एक चीज में भगवान ने उनसे बात की थी। तो वो सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक फ्लाइंग सॉसरस यूएफओ का था। आप कई सारे हिंदू माइथोलॉजिस्ट, हिंदू कल्चर्स आप निकाल के देखिए, जो भी टेम्पल्स है, जो भी मंदिर है, उनका जो अब ऊपरी जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा एक फ्लाइंग सॉसर जैसा। अगर आप विमानों का, आप विमान सेगमेंट पढ़ेंगे वेदों में से, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें जो पूरा स्क्रिप्ट दिया गया है, वो पूरा का पूरा आपको उस टेम्पल के अपरी स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा। पुराने टेम्पल्स, एंशियंट जो टेम्पल्स है, आपकी शेयर ज्यादा नहीं होती। अभी सर लोगों को इन चीजों पे इंटरेस्ट नहीं है, उनको हिंदू मुस्लिम गाली गलौज करने वाले ऐसे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। सर आपका जो स्वर्ग जाने वाली वीडियो था वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? श्री राम ठाकुर साहब, ये देखिए ये चीज़ें हैं ना, ये आप जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में फिर से एक बात आती है, आप निकोला टेस्ला या फिर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन्स, इसको अगर आप इनकी स्टडी देखेंगे, आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनको विजुअल्स आते थे, इनको विजुअल्स आते थे, जो भी डायग्राम्स उन्होंने बनाए,
जो भी उन्होंने टेस्ला कॉइल्स, टेस्ला इलेक्ट्रिक जनरेटर ये सब बनाए, उनके उनको विजुअल्स आते थे जब वो मेडिटेट करते या फिर सोते थे। तो मैक्सिमम मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, यकीन करो ना करो, ये सारी जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मैक्सिमम ये मुझे मुझको भी थोड़ी फार ख्वाब गिरते थे। और कुछ चीज़ें फिर मैंने पढ़ी, मैंने एंशिएंट एलियन सीरीज देखी, फिर मैंने और सारे कई ये देखे, तो वो कोरिलेट हुए कि हाँ भाई ये जो मैंने देखा होगा ख्वाब में तो ये हो सकता है। ये बात आप थोड़ी समझिए,